सभी लोगों को नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं आजकल राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा पर हूँ। उस बीच कल रात हम लोगों ने इस रैन बसेरे में रात बिताई थी। आप लोगों को दिखाता हूँ इस रैन बसेरे से बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का। यह है रैन बसेरा जहाँ हमने कल रात बिताई, और आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ से देखिए रैन बसेरे से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। यह है रैन बसेरा। लखीमपुर के रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सुबह फ्रेश होने की व्यवस्था नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ सुलभ शौचालय की तरफ, देखता हूँ किस तरफ है, पूछता हूँ अभी किसी से। लेकिन इस रैन बसेरे में आप लोगों को अपने सामान की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कल यहाँ पर एक किसी का मोबाइल चोरी हो गया था। अच्छा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि रैन बसेरे में रहना है तो अपना सामान की सुरक्षा खुद करनी है। हमारी साइकिल हो चुकी है रेडी और हम करते हैं आज की यात्रा अपनी यहाँ से। आप लोगों को भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारी यात्रा के साथ। चलते हैं भैया, जय श्री राम। 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 लखीमपुर के रैन बसेरा से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। आप लोग अब हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप है लहरपुर, और वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं आज। लहरपुर वाला रास्ता ये है सामने सीधे। ठीक है, धन्यवाद। अयोध्या जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग लखीमपुर में ही है। देखिए काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ सुबह से ही। लखीमपुर वाला रास्ता कौन सा है यहाँ से? अरे इधर को आ जा, इधर को दायां आ जा, दायां दायां आ, इधर को है। अयोध्या जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। बहुत दिनों से दूध नहीं पिया था। दूध की दुकान दिखते ही आज हमने कहा नाश्ता दूध और पराठे का करते हैं। आज हम लोग नाश्ता में करेंगे दूध और जलेबी। ये देखो दो जग दूध गर्म होके तैयार हो चुका है हमारे पीने के लिए। मोहनदा क्या चल रहा है नाश्ते में आज? अभी दूध बन चल रहा है, जलेबी बन रही है। जलेबी बनवाने के लिए दे रखी है, ऑर्डर देता है जलेबी का, वो भी खाते हैं। ओके, अच्छा भाई साहब चलते हैं। जय श्री राम। दूध जलेबी का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे की तरफ। अभी भी हम लोग लखीमपुर में ही हैं। काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से लोगों से पूछना पड़ रहा कि कौन सा रास्ता हमारा लखीमपुर के लिए हमारा ये वाला रास्ता है। लखीमपुर से कुछ ही किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोग को एक छोटा सा कस्बा मिलता है जिसे खीरी कहते हैं, और दोनों नाम एक साथ जोड़ के लखीमपुर खीरी करके है इस जगह का नाम। आप लोग देख सकते हैं खीरी का यह नज़ारा। सुबह सुबह का समय है, काफ़ी धुंध है, कोहरा लगा हुआ है पूरे मैदानी क्षेत्र में आजकल। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं यह है खीरी रेलवे स्टेशन। खीरी रेलवे स्टेशन से लहरपुर 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे जैसे हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं जो भी छोटे छोटे कस्बे दिखेंगे वो आप लोगों को दिखाते रहूँगा। ये देखिए अभी जिस जगह से हम आगे को निकल रहे हैं, इस जगह से सीतापुर है 40 किलोमीटर, हरदोई 112 किलोमीटर, लखनऊ 115 किलोमीटर और शाहजहाँपुर 120 किलोमीटर।
यह रहा सलारपुर का कस्बा। हमारे इस रोड में जो भी कस्बा मिल रहा हमें, बहुत ज़्यादा गंदगी है इन कस्बों में। पता नहीं कैसे रहते हैं इन कस्बों के लोग यहाँ इस गंदगी के बीच। ये सामने से बैलगाड़ी आते हुए, जय श्री राम। अभी हम लोग रुके हैं एक रोड पे जहाँ हमने दूध जलेबी खाई थी। उन अंकल ने दिए थे हमें समोसे, उन समोसों को भी यहाँ पे खा लेते हैं। मनोज भाई लाओ यार समोसे। बिल्कुल समोसे खा लो, समोसे। समोसे खा के निकलते हैं आगे की तरफ। राम आने वाले हैं अपने राज्य में, सारे राज्य में डांडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। जय श्री राम। यह है नवी नगर, देख सकते हैं आप नवी नगर का दृश्य। छोटा सा कस्बा है ये। अपनी यात्रा के बीच अभी हम लोग नवी नगर पहुंच चुके हैं। नवी नगर में तो आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर को श्री रामचंद्र जी का मंदिर है सामने दिखाई दे रहा है, और उसके बगल में शिव जी का मंदिर है, और ये नवी नगर का अंदर जाके पूरा देख लीजिए। बढ़िया साइकिल खड़ी कर दी हम लोगों ने यहाँ पे। अभी यात्रा के बीच में हम लोग हैं नवी नगर में, और मेरे पीछे से ये दिख रहा प्राचीन प्रभु राम जी का मंदिर, और इस तरफ है भोलेनाथ जी का मंदिर, और इस पावन जगहों पर अभी मैं हूँ। और यह रहा प्राचीन राम मंदिर, और राम मंदिर के इस तरफ शिव मंदिर। भाई साहब हम लोग आए हैं अभी उत्तराखंड अल्मोड़ा से, हम अयोध्या की यात्रा पे हैं। अभी हम नवी नगर में, हमें यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर और ये शिव जी का मंदिर मिला, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दे दीजिए आप। यहाँ जैसे मंदिर है शिवाला मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा 384 गाँव पर राज कर चुके हैं। ये 210 साल करीब पुराना मंदिर है। 210 साल पुराना मंदिर। और राजा का नाम क्या था? प्रभाकर प्रताप सिंह, और यहाँ के रानी थी रानी पृथ्वी पाल कुंवर सरस्वती। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये कस्बा है। जय श्री राम। कहाँ से आए भाई आपका? हम उत्तराखंड अल्मोड़ा से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। कहाँ के? अयोध्या के। चलो अच्छी बात है, मिलते हैं वहीं। जय श्री राम। अभी हम लोग हैं केसरीगंज में। बहुत देर बाद हमें एक पराठे की दुकान मिली है, सुबह से खाना नहीं खा रहा है, खाना खा लेते हैं यहाँ पे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को अपनी आगे की यात्रा। ये देखिए पराठे बनाने का तरीका यहाँ का, कढ़ाई उल्टी करके रखी हुई है और इसमें ये सेक रहे हैं इस पराठे को। चने की दाल वाला नए तरीका का आज पराठा खाते हैं, खाने के बाद बताते हैं कि कैसा था इसका टेस्ट। देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। ये तो रोल टाइप का बना रहा है पराठा है। आप अलग अलग खाना है प्लेट में क्या? हाँ सर ठीक है, अलग अलग खाना है। ये बन चुके हैं हमारे पराठे, अब गर्म हो रहे हैं दोबारा से एक बार। ये है केसरीगंज का स्पेशल रोल पराठा, अब खा के बताते हैं आप लोगों को कैसा रहा इसका टेस्ट। काफ़ी टेस्टी है। पराठा खाने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ से दाएं तरफ की रोड लखनऊ की तरफ जा रही है, और हम जाएंगे लहरपुर की तरफ। अभी हम लोग लहरपुर पहुँच चुके हैं। ये देखिए लहरपुर में एक यहाँ पर को गेट लगा हुआ है, नगर पालिका परिसर लहरपुर की तरफ से आपका स्वागत है।
अभी हम मीन लहरपुर पे हैं। बिस्वा 27 किलोमीटर रह गया अब हम लोगों का। यह रोड है लहरपुर से बिस्वा की तरफ। जैसे कि पहली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रामचंद्र जी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां आप लोगों के बीच में लाते रहूंगा। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी को शुरू करते हैं भगवान श्री राम की विवाह से जुड़ी कुछ कहानी से। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार माँ सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठाएगा वही सीता जी के साथ विवाह करेगा। फिर सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ गए और देवी सीता के स्वयंवर में भाग लिया। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिवजी के धनुष को नहीं उठा सका। वहाँ पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, पर धनुष को जगह से हिला भी नहीं सका कोई। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया जिसे वहाँ मौजूद कोई भी नहीं कर सका था। जैसे ही उन्होंने शिवजी का धनुष उठाया, उसके दो टुकड़े हो गए और वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि के अनुसार माँ सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, वह दिन मंगसिर मास की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यह है नयामूपुर, छोटा सा कस्बा है, देख सकते हैं आप। लोग पेट्रोल पंप से तेल भराते हैं, हम लोगों ने पानी भर लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। रोड में नंदी महाराज। ये कौन सी जगह है भैया? हेलो भैया, कौन सी जगह है ये? कौन सा नगर? महाराज नगर। अभी हम लोग महाराज नगर से आगे की तरफ जा रहे हैं। यस सियाराम, हमारा शौक है ट्रैवल करना, मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना दूर है आपका गांव? 1 किलोमीटर दूर है। ये पुल अच्छा, है ना? अच्छा, पुल से पड़ोस में गांव है हमारा। अच्छा, आप चाहें तो हमारे गांव आ जाए, हमारे घर पे आ जाए, हम आपको इनवाइट करते हैं। क्या करें बता तुम? हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आ जाइए। गरीब खाने में आपका स्वागत है, हर ट्रेवलर का स्वागत है जो यहाँ आता है इस लाइन पे, इस रूट पे जो आता है उसका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है। गरीब खाने में जो आपकी सेवा हो सकी वो करें। चलो चलते हैं फिर, आप चलते हैं। आ जाओ भाई साहब, आओ, ठीक है, हर सेवा करेंगे आपकी। आ जाओ, हमारे घर में भगवान पधारे। चलो ठीक है सर जी, आपके वहाँ चलते हैं। चलो आ जाओ, आओ भैया, आओ, सब लोग आओ हमारे पीछे चलो। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उल्टी दिशा में फिर क्यों जाने लग गए। अभी जो आगे से हमारी मोटरसाइकिल चल रही वो भाई साहब ने अपने घर लेके जा रहे हैं हमें इनवाइट किया है आज शाम को रुकने के लिए। दिखाते हैं आप लोगों को कि आज हम रात को रात्रि विश्राम कहाँ करने वाले हैं। आज राकेश राज जी हमें अपने साथ ले जा रहे हैं अपने घर, जो इस रूट पे है, बिस्मिल्लाह लहरपुर रोड पे, हम उसको इनवाइट करता हूँ।
पर्सनल रूप से इनके जो जो भी ट्रेवलर आए हम लोगों के लिए यहाँ से सब्जी खरीदने लग गए। और देखिए यहाँ पर छोटी मार्केट लगी हुई है। आते समय हम सामने वाली रोड से आए थे, अभी हमें दायां जाना है यहाँ से। जय श्री राम। हम लोग अब जमालपुर पहुंच चुके हैं, जमालपुर में रुकेंगे आज हम लोग। पहुंच चुके हैं। आ जाओ। हाँ जी आ जाओ, गाड़ी लगा दो आराम से। गरीब खाने में स्वागत है आपका। गरीब खाने में नहीं सर जी, टेस्ट कैसा है खाने का? खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है। अभी तो दाल ही टेस्ट की है, बढ़िया लग रही, बढ़िया ही हुआ सब। अंशु जाओ घी लेके आओ, गरम कर जाओ।